स्वागत है आपका। वर्ल्ड कप 2019 से पहले इंग्लैंड की टीम के लिए यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है, जो कि काफी अच्छी खबर है इंग्लैंड की टीम के लिए। क्या है दोस्तों खबर, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों 30 मई से वर्ल्ड कप 2019 की स्टार्टिंग होने वाली है, जहां पर इंग्लैंड की टीम 30 मई को ही अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से खेलने वाली है। इस मैच से पहले इंग्लैंड के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय था वो ये कि इनके काफी सारे प्लेयर जो हैं वो दोस्तों इस वक्त इंजर्ड हैं, और उनकी इंजरी को लेकर यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ है कि पहले मैच में अवेलेबल रहेंगे या फिर नहीं। और ऐसे में यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, काफी सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क वुड की। तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम जब अपना पहला वार्म अप मैच खेल रही थी उसमें सिर्फ 3.1 ओवर ही करा पाए थे। मार्क वुड हैमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार हुए थे, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था स्कैन के लिए, और इनके स्कैन की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें थी कि ये यहाँ पर स्कैन की रिपोर्ट किस तरह की आती है। और यहाँ पर इनके स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी है, जहाँ पर कोई भी बड़ी इंजरी यहाँ पर मार्क वुड को नहीं हुई है, और वर्ल्ड कप 2019 खेलने के लिए पूरी तरीके से मार्क वुड तैयार है। हालांकि दोस्तों अगला वार्म अप मैच जो कि इंग्लैंड की टीम खेलने वाली है उसको जरूर मिस करेंगे यहाँ पर मार्क वुड, लेकिन पहला मैच जो वर्ल्ड कप 2019 का होगा उसमें यहाँ पर अवेलेबल रह सकते हैं। तो ये काफी अच्छी खबर है इंग्लैंड के लिए, जहाँ पर मार्क वुड जो है वो दोस्तों यहाँ पर फिट रहने वाले हैं और वर्ल्ड कप 2019 में खेलते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा इनके कप्तान इयान मॉर्गन के ऊपर भी अपडेट आई है, जहां पर फिंगर इंजरी से रिकवरी कर रहे थे इयान मॉर्गन, और आपको बता दें कि अगला वार्म अप मैच इयान मॉर्गन भी हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पूरी तरीके से यहां पर रिकवर लगभग जो है वो इयान मॉर्गन हो चुके हैं, तो ये एक और अच्छी खबर इंग्लैंड की टीम के लिए। और तीसरी अपडेट जो है वो है दोस्तों आदिल रशीद को लेकर, जो कि यहां पर शोल्डर इंजरी से जूझ रहे थे, रिकवरी कर रहे थे, वो यहां पर कंफर्म हो चुका है कि फुल्ली फिट हो चुके हैं और अगला वार्म अप मैच हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी अच्छी खबरें इंग्लैंड की टीम के लिए आ रही है, जहां पर मार्क वुड भी दोस्तों ज्यादा चिंता की बात नहीं है, फिट हो जाएंगे, और इयान मॉर्गन और आदिल रशीद लगभग से जो है वो फिट हो ही चुके हैं। तो काफी अच्छी खबर है इंग्लैंड की टीम के लिए, ये अपडेट यहां पर निकल कर आ रही थी जो कि हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।